नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS TGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास और उसकी वैज्ञानिकता देखेंगे हम, ताकि परीक्षा में देवनागरी लिपि का जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया हुआ है उस से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम सही आंसर कर सके। देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ तथ्यों को हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे परीक्षा की TGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार। अब हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों का PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से गया होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं देवनागरी लिपि एवं उसके विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ये आप लोगों को पता है। इनमें से उस भाषा जो जिनमें से उस भाषा को लिखा जाता है उसी लिपि में जिस जो उस भाषा की लिपि होती है उसी में उस भाषा को लिखा जाता है, ये कहा गया है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। किसी भी भाषा को लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि। कई बार लिपि की परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि लिपि क्या किसे कहते हैं, तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी का नाम दिया जाता है। हिंदी की लिपि क्या मानी जाती है? देवनागरी। और अन्य भाषाओं की लिपि भी देवनागरी मानी गई है, जैसे कि नेपाली और मराठी, संस्कृत, अपभ्रंश जो आदि जो ये भाषाएं हैं, वे हम आगे देखेंगे कि किस किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। कई बार इनमें से इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा की देवनागरी लिपि नहीं है या है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की दो प्राचीन लिपियाँ रही हैं कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है उसी से देवनागरी लिपि का विकास माना गया है और ब्राह्मी लिपि की भी उत्तरी शाखा से। आगे देख लेते हैं और अन्य तथ्यों को। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतरण हैं, इनमें से एक रूपांतरण उत्तरी शाखा के रूप में था जिसे नागरी कहते हैं। जो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा का जो रूप था उसे ही हम क्या नाम दिया? नागरी। और नागरी इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस शाखा से हुआ है ब्राह्मी लिपि की, किस शाखा से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो उत्तरी शाखा से, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से नागरी का प्रयोग देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा। इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाना लगा। देव भाषा संस्कृत यानी कि देवताओं की जो भाषा है संस्कृत मानी जाती है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से देवताओं की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा को हम देवताओं की भाषा कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं शताब्दी में माना जाता है। कई बार शताब्दी भी पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल से प्रचलित है। गुजरात के सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी कहा गया। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और। देवनागरी भाषा संस्कृत में इनका प्रयोग होने से इसके देव शब्द जुड़ गया। संस्कृत में इसका प्रयोग होने से देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए गए उसे देवनगर कहते हैं। संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी। इसके अक्षर तांत्रिक जिन देवनगर के अनुरूप चकोर थे इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे, किंतु यह मत अधिक पुष्ट नहीं है। जो ये मत दिया गया ये अधिक पुष्ट नहीं है। देवनागरी लिपि के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं विद्वानों के अनुसार किस विद्वान ने देवनागरी लिपि से संबंधित
किस गठन की स्थापना की देख लेते हैं। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने देव सुधार लिपि का गठन किया। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई। तो इस प्रकार से अगर इन तथ्यों से भी संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप लोगों को एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझते हुए देखकर जाना है परीक्षा में, क्योंकि अभी समय आ गया आप लोगों का केवल रिवीजन का। आप जितनी अधिक रिवीजन करोगे, जितना भी पढ़ा हुआ है पहले, बस उसकी रिवीजन करनी है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इतना ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या केवल 65 या 70 के बीच होगी हिंदी प्रश्नों की संख्या। तो इसलिए पूरा जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के टॉपिकों के अनुसार अगर आप चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा सा डेप्ट और थोड़े समझ बेस के साथ पढ़ोगे तो आप लोगों के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे हिंदी में। तो देख लेते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की है। किस में चर्चा की है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की है। काका कालेकर ने ए की 12 खड़ी का सुझाव दिया है। स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया है ए, इस प्रकार से उन्होंने वर्णमाला के जो ए की 12 खड़ी है वो बताई है। जो काका कालेकर के है, इससे संबंधित कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ए की 12 खड़ी का सुझाव किन्होंने दिया, किस विद्वान ने दिया? तो काका कालेकर ने, श्याम सुंदर दास ने पंच पद्माक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी किया है। तो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन रहे हैं? तो वो है श्याम सुंदर दास जी। जैसे कि हिंदी जैसे पंचमाक्षर न बीच में आ गया, तो इसमें न को हटा करके, आधे न को हटा करके इन्होंने बिंदु को अधिक महत्व दिया है कि इसके स्थान पर बिंदु लगाई जाए। जैसे कि कंठ में बिंदु को लगा दिया गया, पंच में बिंदु को लगा दिया गया, कंबल में मैं के स्थान पर बिंदु को लगा दिया गया, गंगा में अंगस के स्थान पर बिंदु को लगा दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। श्रीनिवास दास का सुझाव है कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियाँ शामिल हैं। तो ये जो महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों को शामिल करने वाले विद्वान कौन रहे, किन्होंने सुझाव दिया? श्रीनिवास दास ने। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें कि मात्राओं को उच्चारण क्रम से लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव दिया। पर को र और श्रय को श्य र लिखने का, इस प्रकार से इन्होंने सुझाव दिया। किसमें ये सुझाव किसमें दिए गए? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जो कि 5 अक्टूबर 1941 में लिपि सुधार की एक बैठक हुई थी, उसमें ये इस प्रकार के से सुझाव दिए गए। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता डॉक्टर नरेंद्र देव ने की, जिसमें निम्नलिखित सुझाव है। डॉक्टर नरेंद्र देव ने 1947 में उत्तर प्रदेश में लिपि सुधार की अध्यक्षता की है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनमें से किन्होंने लिपि सुधार की गठित लिपि की समिति की अध्यक्षता की है। तो डॉक्टर नरेंद्र देव ने की है। कब की है? 1947 में उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। ए के 12 खड़ी भरमाक है। नरेंद्र देव ने बताया है कि इनमें से ए की जो 12 खड़ी है वो भरमाक है, यानी कि भ्रमित है, भ्रम पैदा कर देती है। मात्रा यथास्थान रहे, परंतु उन्होंने थोड़ा दाहिना ओर लिखा जाए, मात्रा ऐसे की ऐसे रहे लेकिन उनको थोड़ा सा दाहिने ओर लिख दिया जाए तो सही रहेगा। अनुस्वार व पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी से काम चलाया जाए, ये भी इन्होंने कहा है नरेंद्र देव जी ने। श्याम सुंदर दास की जो दिया था उन्होंने तथ्य सही बताया। दो तरीक़ों से लिखे जाने वाले अक्षर निम्नलिखित अक्षरों को स्वीकार किया गया है। उन्होंने इस प्रकार से जो अक्षर दो तरीक़ों से
लिखे जाते हैं, जिस प्रकार से ये लय लिखा गया, एक लय इस प्रकार से लिखा जाता है और एक इस प्रकार से, इन्होंने दोनों तरीकों को सही बता दिया गया है नरेंद्र देव जी ने। उपयुक्त सुझाव में निम्नलिखित उपयुक्त सुझाव में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की आ ध्वनि की को अंगीकार कर लिया और फारसी के क ख ग ज फ ध्वनियाँ भी यहाँ आ गई। देवनागरी लिपि में फारसी की जो एक तो अंग्रेजी की आ ध्वनि को जहाँ में जैसे डॉक्टर लिखा दिखाई देगा कहीं तो हम इस प्रकार से ओ लगा देते हैं डॉक्टर, तो ये देवनागरी लिपि में इस ध्वनि को स्वीकार कर लिया गया है। ये हमारी देवनागरी लिपि में गलत वर्तनी नहीं होगी, सही मान लिया गया है। डॉक्टर जैसे शॉर्टकट्स में हम लिखते हैं और इसी प्रकार जो फारसी में लिखे गए हैं जो बाद में ये बिंदु लगा दिए जाते हैं इसे हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता जो लगा दिया गया है उसको भी देवनागरी लिपि ने स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों से अगर किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सही समझ के साथ बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो प्रयास समय समय पर किए गए उन्हें देवनागरी विकास कहते हैं। जो सुधार और संशोधन लिपि देवनागरी लिपि में जो सुधार और संशोधन किए गए उन्हें ही हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि का विकास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। बात करें देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में तो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संबंध में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इस प्रकार से अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर लगा सको। देवनागरी लिपि रोमन फारसी लिपि की तुलना से अधिक वैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोमन यानी अंग्रेजी की लिपि, फारसी यानी उर्दू की लिपि, इन दोनों से अधिक जो वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, देवनागरी लिपि। इस लिपि में गुण अधिक है और दोष न्यूनतम है, यानी गुण अधिक बता है इस लिपि के और दोष कम है इस लिपि के अंदर। इनकी वैज्ञानिकता प्रमुख बिंदु है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ लेते हैं देवनागरी लिपि में क्या क्या वैज्ञानिकता रही है। तो वर्ण विभाजन की वैज्ञानिकता, सबसे पहले वर्ण विभाजन की वैज्ञानिकता हम देखेंगे। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हो, देख लेते हैं एक बार। स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ये 11 स्वर हैं। मूल रूप से कितने स्वर हैं, 11, लेकिन दो हमारे क्या है, अ युग्मा, जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जानते हैं। कुल अगर कुल स्वर पूछ लिया जाए तो 13 और मूल स्वर पूछ लिया जाए तो 11। व्यंजन मुख्य रूप से 11 स्वर है, लेकिन वैसे कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 13। और ये पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर है तो 13 संख्या बताई जाएगी, 13 आ जाएंगे हमारे, दो ये अयोगवा भी जुड़ जाएंगे। अगर ये पूछा जाए तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11, और मूल स्वर हमारे ये होते हैं भाई अ ई छोटा ई छोटा उ और री, इस प्रकार से हमारे ये मूल स्वर होते हैं 4। बढ़ते हैं आगे। व्यंजन, व्यंजन में हम देख लेते हैं एक कंठस्थ, 5 होते हैं क ख ग घ, और तालव्य च छ झ झ ण, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, दंत त थ द ध न, ओष्ट प फ व भ म, और अंतस्थ य र ल व, उष्म श श श ह, 4 उष्म होते हैं। संयुक्त की व्यंजनों की संख्या भी पूछ लेते हैं कई बार कितने होते हैं, संयुक्त स्वरों की संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, अक्षत्र ग और श। द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वे 2 होते हैं, ड और ढ। कुल जो वर्ण होते हैं कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हो। इनका उच्चारण स्थान भी पूछ लेते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वायु मुख विवर के बिना अवरोध के बाहर निकलती है। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है उनके उच्चारण के भीतर से आने वाली वायु मुख विवरण से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, दूसरी वैज्ञानिकता की हम बात करें तो देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक लिपि है। जो देवनागरी लिपि है वो ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक लिपि है या वर्णात्मक लिपि मानी जाती है। समग्रता, देवनागरी लिपि में जो है समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता भी है और रोमन लिपि ण और न दोनों के लिए एक ही वर्ण एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि देवनागरी लिपि में दोनों में अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं उच्चारण व लेखन में एक रूपता। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता पाई जाती है। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि अनुच्चारित या साइलेंट अक्षर नहीं होते। इसमें जिस प्रकार से हम जैसे नाइफ लिखते हैं उसी प्रकार इसमें साइलेंट अक्षर होता है रोमन लिपि में, लेकिन देवनागरी लिपि में जो बोला जाएगा, जैसे हम बोलेंगे कोई भी अक्षर बोलते हैं हिंदी का, जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं कविता, वीता वीता नहीं बोलते हम, और ना ही पूरा का पूरा कविता बोलते हैं। जैसे कि क अगर हमने बोला है तो लिखा भी है क, मैंने अपने नाम का ही उदाहरण दे दिया है। तो देख लेते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। जैसे नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है रोमन लिपि में, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, और उसके बाद नॉलेज में जो है के साइलेंट है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में लेखन व उच्चारण में एक रूपता है। इनकी वैज्ञानिकता, यही इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है, यही बात इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। बढ़ते हैं आगे, स्पष्टता। देवनागरी लिपि में स्पष्टता भी दिखाई देती है। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जो दो वर्णों के पारस्परिक साम के कारण अस्पष्ट न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उन्हें अस्पष्ट आ ही जाती है। जैसे कि M जब हम लिखते हैं, M इस तरह से लिखते हैं, तो N भी कई बार लिखा जाता है। I को जैसे I इस प्रकार से हम लिखते हैं तो कई बार हम L भी बना देते हैं उसका। O को जैसे हम लिखते हैं तो कई बार O इस पर जल्दबाजी में हम लिख देते हैं तो कई बार Q भी बन जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि में हमें बिल्कुल स्पष्टता दिखाई देती है। जो अगर हम अ अक्षर बना रहे हो तो अ को हम अ ही बनाएंगे, क अक्षर बना रहे हो तो हम क को क ही बनाएंगे, ख को ख ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से इस पर अलग अलग अक्षर की पहचान दी गई है। तो इसमें जो पहचान देने की क्षमता भी है रोमन लिपि में एक जैसी है, लेकिन देवनागरी लिपि में बिल्कुल अलग अलग स्पष्टता रूप हमें देखने को मिलता है। कम खर्चीली है देवनागरी लिपि। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है इसलिए यह कम खर्चीली है। जैसे कि थोता, जैसे मात्राएं लगी हुई है देवनागरी लिपि में, जिस प्रकार थोता में ओ की मात्रा लगी हुई है तो यह कम स्थान घेरेगी, इस प्रकार अंग्रेजी रोमन लिपि की लिखने की अपेक्षा। जैसे कि जो ये चंद्रिका है लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो रोमन लिपि में कितना स्थान घेरे हुए है और देवनागरी लिपि में इन्होंने कितना, इस शब्द ने कितना स्थान घेर रखा है ये आप लोग देख सकते हो। तो अगर स्थान कम घेरेगी तो खर्चीली भी कम होगी, क्योंकि कागज जो रहेगा वो कम लगेगा, पेज हमारे कम यूज होंगे तो कम खर्चीली होगी। तो देख लेते हैं स्कूल में भी आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, सरल कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम है, अतः वर्तनी के भूलों की संभावना कम होती है। नियतता, यह देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में ध्वनियों को लिखने के लिए विकल्प है, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ भी हो जाती हैं। देवनागरी लिपि में कै ध्वनि को लिखने के लिए केवल कै, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखा जाता है। जैसे कै को हम
हम रोमन लिपि में सी का भी प्रयोग कर सकते हैं और के का भी प्रयोग करते हैं और क्यू का भी प्रयोग करते हैं और सी एच का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ये हम देख सकते हैं, अगर कै के लिए सी का प्रयोग करेंगे तो कैट लिखा जाएगा तो सी ए टी कैट, किंग लिखा जाएगा तो के आई एन जी किंग, क्वीन लिखा जाएगा तो क्यू यू डबल ई एन क्वीन, और केमिस्ट्री लिखा जाएगा तो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, देवनागरी लिपि में जो अक्षर हम बोलेंगे वही हम लिखेंगे, सभी अक्षरों की अपनी अलग अलग उसको स्थान दिया गया है उच्चारण का। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि में नियतता भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण इसकी वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि का विकास, इससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है, ताकि परीक्षा में जो पाठ्यक्रम में ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी से कर सकें। तो एक मैं कोशिश करूँगी पूरी की पूरी देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी लाने की मैं आपके सामने कोशिश करूँगी। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देवनागरी लिपि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।